नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और ये बेहद खास पेशकश आप देख रहे हैं जहां पर प्लास्टिक कैसे जी का जंजाल बन सकता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार, डॉक्टर अच्युत सक्सेना, पंकज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस खास पेशकश में अपनी अपनी राय रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से प्लास्टिक को अपने जीवन में आपको पूरी तरह से बर्खास्त कर देना चाहिए। तो डॉक्टर अंशुमन, तमाम तरह की रिपोर्ट्स ऐसी आती रहती हैं जो प्लास्टिक से आपको कैंसर हो रहा है, आपको हृदय का कोई भी आपको इशू हो रहा है, हार्ट डिजीज़ हो रही है, इस तरह की तमाम तरह की रिपोर्ट्स प्रकाशित होती भी हमने देखी हैं पिछले कुछ समय में। सवाल आपसे ये है कि कितना प्लास्टिक का इस्तेमाल हानिकारक है, पूरी तरह से हानिकारक है या थोड़ा बहुत प्लास्टिक इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हम लगभग हर चीज़ में आजकल प्लास्टिक को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, थैली के रूप में हो, अगर आपको किसी चीज़ खाने को सर्व करना हो, खाना पकाना हो, खाना ले जाना हो, बताइए इसके इस्तेमाल को जिस हमने शामिल किया हुआ है जीवन में कितना खतरनाक है। जी कविता जी, इसको ऐसे समझें कि जब प्लास्टिक का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब क्या इंसान की जिंदगी चल रही थी कि नहीं चल रही थी, इससे क्या समझ में आएगा कि मॉडर्नाइजेशन हुई अच्छी बात है, लेकिन इतना बेतरतीब होगा इसका अंदाजा इसके प्लास्टिक को जो ढूंढा था उसने भी नहीं सोचा था। उसने तो इसकी पॉजिटिव चीजें कही थी, ये ना सड़ेगा ना गलेगा ना जलेगा, ये उसका टैगलाइन था, इंग्लिश में दिया था। आप सोचिए कि प्लास्टिक से चारों तरफ कैसे हम घिरे, आप सुबह जगते हैं वहां से लेके टूथब्रश पेस्ट से लेके शैम्पू से लेके आपके खाने का रैपर, खाने की प्लेट, माइक्रोवेव में गर्म करने का बर्तन, इससे आप करते हैं पानी की बॉटल से लेकर हर तरफ आपके प्लास्टिक प्लास्टिक है। एक टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी जिससे हम ये देखते हैं प्लास्टिक के छोटे पार्टिकल कितने मौजूद हैं। तो पहले देखा गया माइक्रो प्लास्टिक, माइक्रो मतलब 10^-6 में चलेगी, फिर अब आ गया जमाना नैनो प्लास्टिक का, अब उससे भी छोटे पार्टिकल्स ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं और उसमें लगभग आप सोचिए प्लास्टिक में अभी तक कैलकुलेट किया 13,000 केमिकल हैं, उसमें 3200 केमिकल कहा गया है केमिकल ऑफ कंसर्न, मतलब इससे कुछ न कुछ आपके हेल्थ पे इंपैक्ट आ रहा है। उसमें टॉप के 4-5 क्या केमिकल हैं, फैलेट्स, बिस्फेनॉल ए, पीफैस का इन दिनों आप लोगों ने सुना था जो नॉन स्टिक तवे में बर्तन में, ये भी है इसमें। इस तरह से 3-4 जो टॉप के केमिकल हैं, इससे आप अंदाजा कीजिए कि बांझपन की शिकायत आप देखिए इनफर्टिलिटी सेंटर कितने खुले पुरुषों में, लो स्पर्म काउंट हुआ, एंडोक्राइन डिस्टर्बर है इसलिए महिलाओं में थायराइड की समस्या बढ़ी और लंबे समय के इस्तेमाल से कैंसर की समस्या बढ़ी। आज प्लास्टिक हर जगह मौजूद है, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी 2018 में, ह्यूमन स्टमक हैज बिकम ओशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक, समुद्र है, वहां से सर्कुलेट होकर हमारे ब्लड में जाता है, लिवर किडनी को डैमेज, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चों ट्रांसप्लेसेंटल प्लेसेंटा के थ्रू पहुंचता है, बच्चों में गड़बड़ी, और प्लास्टिक क्या क्या कराता है, इन्फ्लेमेशन जिसके कारण हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, हार्ट की समस्या, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, इनफर्टिलिटी, एजियोस्पर्मिया, कैंसर, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मतलब बच्चा जो गर्भ में पल रहा है वो मेंटली रिटार्डेड आ रहा है, आपके वातावरण में घूमता प्लास्टिक, इन्वायरमेंटलिस्ट भी हमारे साथ बैठे हैं, ऊपर से अर्थ इंसुलेट, ऊपर सैलाब और नीचे ग्राउंड लेवल वाटर कमता जा रहा है, समुद्र में प्लास्टिक, गाय के दूध में प्लास्टिक, मछली में प्लास्टिक, मतलब कहां नहीं प्लास्टिक। तो इसलिए जो आपका सवाल है कि क्या थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं या जहर है, जहर जहर है। अब इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल का ऑप्शन बचा नहीं है कि ऑलरेडी जो हमने लोड डाला है डिग्रेड होने में, अलग अलग प्लास्टिक को 200 साल से लेकर 1200 साल का समय लगेगा, इसलिए ब्रेक लगाना जरूरी है। इंटरनेशनल एजेंसी सारी एक्टिव है लेकिन शायद पेपर पे ज्यादा एक्टिव है, ग्राउंड पे कम है। यही रहा है, जिस तरह से सेहत खराब होनी और दिल की बीमारी और कैंसर जैसे मामले सामने आ रहे हैं इसके कंजम्पशन को लेकर, लेकिन पंकज कुमार जी ये कहने की कोशिश नहीं है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल भारत में सबसे कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे मुझे ये समझना है कि तमाम इमर्जिंग मार्केट्स और कंट्रीज़ में अगर मैं देखूं तो भारत प्लास्टिक के इस्तेमाल में कहां तक पहुंचता है, क्योंकि मैं ऐसे सोच के चल रही हूं कि ग्लोबल मार्केट्स में अगर हम डेवलप मार्केट्स की बात करें या इकोनॉमीज़ की बात करें तो वहां इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के मुकाबले तो कम ही इस्तेमाल होता होगा प्लास्टिक। पंकज कुमार जी, भारत कितनी गंभीर स्थिति में है बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज के मुकाबले प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर? अगर आप इमर्जिंग इकोनॉमी की बात कर रही हैं
यानी कि अगर आप उस डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो आप देखेंगे कि वहां पे प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही निचले स्तर के लेवल पे और बहुत ही निचले स्तर यानी घटिया स्तर का प्लास्टिक इस्तेमाल है। आप दिल्ली शहर को ही ले लें, आप नुक्कड़ों पे बिकने वाली चाय जो कप मिलती है उसके अंदर का प्लास्टिक कोटेड कप या प्लास्टिक की गिलास कहाँ कहाँ आपको कौन सी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा। मगर आप उसकी क्वालिटी की बात करें तो जिस इमर्जिंग मार्केट की बात कर रही हैं तो तमाम डेवलपिंग कंट्रीज में ये सबसे निचले स्तर का प्लास्टिक का इस्तेमाल वहां होता है। प्लास्टिक में मानता हूं कि प्लास्टिक में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, बहुत सी चीजों को उसने रिप्लेस किया आयरन को और तमाम जगहों पर उसके बहुत ही तरीके से आप देखें तो उसमें बहुत सारी चीजों में इवन की गाड़ियों में भी जहां पर कि वो लोहे के इस्तेमाल होते थे या मेटल्स लगते थे वहां पर हेवी प्लास्टिक्स इस्तेमाल होने लगे। मगर आहिस्ते आहिस्ते वो हमारे घर के अंदर घुसा और अब वो पर्यावरण और घर दोनों को बराबर रूप से हैम्पर कर रहा है। बहुत शुरुआत के दिनों में अगर हम लोग प्लास्टिक को लेकर के पर्यावरण पे हम लोग हंगामा कर रहे थे कि भाई ये पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन आज की स्थिति में ये है कि ये पर्यावरण और मानवीय स्वास्थ्य दोनों को लेकर डॉक्टर्स से लेकर हम सब लोग आवाज उठा रहे हैं। मगर भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जितना घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल प्लास्टिक का होता है चाहे वो बड़े शहर हो या छोटे शहर में, क्योंकि ये सबसे सबसे सस्ता साधन है आपके सामानों को कैरी करने से लेकर किसी इस्तेमाल में, तो जाहिर सी बात है कि अभी तक इस पर कोई इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बना है और सरकार अपने कागजों पर जितनी भी हल्ला कर ले मगर इस पर जो भी कार्रवाई करने की बात होती है वो कार्रवाई पूरी तरह से अपर्याप्त है और इतनी बड़ी अनदेखी है कि हम अपने स्वास्थ्य का अपने पर्यावरण का जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा उसको बचाने में इस्तेमाल कर रहे हैं मगर उसके रोकथाम पर हम कोई उपाय कारगर उपाय नहीं कर रहे हैं। और जितने भी कारगर उपाय सामने पेश किए गए हैं वो केवल कागज तक ही सीमित दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर उचित कुछ गंभीर केसेस बताइएगा जो आपने प्लास्टिक के कंजम्पशन की वजह से बहुत आते हुए देखे होंगे अपने करियर में अब तक। तो देखें ये मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि ये जो गंभीर है ये असल में इसका असर तो अब दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इसका एक्सपोजर पिछले कई दशकों से कम पिछले दो दशकों से बहुत बुरी तरह से जन साधारण जनता के ऊपर पड़ रहा है और इसका जो प्रूफ है इसका जो आज की तारीख में एक साइंटिफिक प्रूफ है वो इस प्रकार से है कि कई जगहों पे विदेशों में खासतौर से इंग्लैंड में कुछ आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश हुए हैं जिसमें इन्होंने जो हमारे दिमाग में खून ले जाने की जो नस होती है जो कभी कभी ब्लॉक हो जाती है और उसका ऑपरेशन एक साधारण ऑपरेशन है तो तकरीबन एक बड़ी आबादी के लोगों में ये जो ऑपरेशन में जो अंदर का जो क्लॉट निकलता है उसको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जांचा गया तो ये देखा गया कि उसमें इस प्रकार के नैनो प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। तो अब जो हम कई बार पहले सोचते थे कि ये ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल की वजह से है और हम उसको हमें पता ही नहीं था कि ये प्लास्टिक की वजह से, अब ये चीजें सामने आ रही हैं कि ये केसेस एक्चुअली इन नैनो प्लास्टिक के डिपॉजिशन की वजह से है और जो ब्लॉकेजेस दिमाग के खून की नसों में हो रहे हैं वही चीज हार्ट की नसों में भी हो रहे हैं। हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं वो एक्चुअली दिमाग की नसों से कहीं ज्यादा छोटी होती हैं और बहुत सूक्ष्म होती हैं। इसलिए उनमें इनके नैनो पार्टिकल्स के पार होने का, जैसा कि डॉक्टर अंशुमन ने अभी बताया कि गर्भवती महिला के बच्चे के भी ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसफर होता है, उसी प्रकार से ये नैनो प्लास्टिक हार्ट की छोटी छोटी सूक्ष्म जो धमनियां होती हैं उसमें जाकर के डिपॉजिट होता है और वहां पे ब्लॉकेज के अलावा जो सबसे बड़ी चीज ये जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब एक प्रकार की समझे सूजन, वो उस लोकल एरिया में एक सूजन पैदा कर देता है और सूजन पैदा करने से क्या होता है कि उसके अंदर वहां पे जो हार्ट की मसल्स है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है और इसीलिए इन प्रकार के इस प्रकार के केसेस में दिल का दौरा पड़ने की और खास तौर से स्ट्रोक जिसको कि पैरालिसिस बोलते हैं क्योंकि ये दोनों ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, हार्ट को भी और ब्रेन को।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो ये है कि इस प्रकार की बीमारियों का इलाज करना भी मुश्किल होता है। जैसे जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं, जो आपने सुना होगा आज तक हम लोग सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, उसके लिए मेडिसिन है, उसके लिए दवाइयां हैं जो कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन को स्लो कर सकती हैं, धीमा कर सकती हैं, जिसको हम लोग एक मेडिकल भाषा में बोलते हैं प्लाक स्टेबलाइजेशन, मतलब कि जो दवाइयां ऐसी हैं कि जो देंगे तो जितना ब्लॉकेज है वो वैसा ही सीमित रहेगा। लेकिन जो नैनो पार्टिकल की वजह से ब्लॉकेजेस हैं उनको रोकने के लिए या उनके इफेक्ट को धीमा करने के लिए आज की तारीख में कोई मेडिसिन या कोई दवाई नहीं है। इसीलिए मेरे हिसाब से ये कोलेस्ट्रॉल से भी ज्यादा घातक है, क्योंकि इसका हमारे पास कोई मेडिकल इलाज है ही नहीं। जहां तक आपने सवाल पूछा कि नंबर्स, तो नंबर्स का यह है कि हमारी जो जानकारी है वो बहुत सीमित है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी हार्ट अटैक देखते थे वो बगैर इस जानकारी के उसको कोलेस्ट्रॉल के ऊपर लेबल कर दिया जाता था, जबकि हकीकत में उसमें से कई सारे केसेस ऐसे होंगे जो नैनोप्लास्टिक या माइक्रोप्लास्टिक की वजह से है। तो इसीलिए अगर मैं आज बोलूं कि मैं इतने परसेंट केस देखता हूं, तो वो एक्चुअली जानकारी गलत है। जो हमें दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज इन नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक की वजह से होगा। इसके ऊपर साइंटिफिक डेटा अभी आना बाकी है, वो जारी है, तो जब तक वो चीज पूरी नहीं होगी तब तक एक परसेंटेज के फॉर्म में उसको सामने रख पाना मुश्किल है। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि दिन पर दिन, खासतौर से जो आजकल आप सुनते हैं कि यंग पेशेंट्स में भी ये बीमारी हो रही है, जबकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये आमतौर तौर पर ओल्ड एज की परेशानियां हैं। तो ये भी संभावना है कि जो यंग पेशेंट्स हैं उनमें वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ना होकर के एक माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक की बीमारी की वजह से हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बोला, इसमें हमें साइंटिफिक रिसर्च करने की आवश्यकता है, और जब तक वो नहीं होगा तब तक हम एक परसेंटेज के तौर पर इसको व्यक्त शायद नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अंशुमन, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास फिलहाल ऐसा भी कोई टेस्ट है जो इस नैनोप्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक को हमारे खून में किस तरह से मिल गया है ये पता लगा सके। हम तो इस तरह की दुनिया में रहते हैं जहाँ पर जीन्स पता लगा के आप ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आपको किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं आपके आने वाली ज़िंदगी में। तो क्या हम प्लास्टिक की इन्वॉल्वमेंट आपके ब्लड में कितनी ज़्यादा हो चुकी है, क्या इस तरह के कोई टेस्ट, क्योंकि आजकल ऐसा भी नहीं है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। मेरे ख्याल से ये चर्चा को भी हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी उसमें गैप्स हैं। अभी भी हम जो समझ की बात कर रहे हैं वो शायद सीमित है अर्बन इंडिया तक ही। लेकिन जब हम नॉर्मल अपना ब्लड टेस्ट या पूरा बॉडी कल्चर करने जाते हैं तो क्या इस तरह के टेस्टों को भी शुमार करना चाहिए, क्या ऐसा कुछ है डॉक्टर अंशुमन? जी, देखिए रिसर्च लैब में तो बिल्कुल टेस्ट उपलब्ध है, तभी तो पता चला माइक्रोप्लास्टिक्स का, नैनोप्लास्टिक्स का, फैलेट्स, बीएसए, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पीफैस। अच्छा, पीफैस को तो फॉरएवर केमिकल कहा जाता है, मतलब सदैव सदैव के लिए, कयामत से कयामत तक रहने वाला रासायनिक तत्व तो पीफैस है। और इन सब का टेस्ट लेबोरेटरी में तो उपलब्ध है, लेकिन जैसे आप लोग, हम लोग जनता जो कराते हैं कि सीबीसी करा लो, एलएफटी करा लो, तो कॉमन लेबोरेटरी में टेस्ट उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल अभी रिसर्च का विषय है, रिसर्च इस पे चल रहा है। हाँ, उससे हम लोग कैसे एपिडेमियोलॉजी कहते हैं जो कम्युनिटी की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल 100 लोगों को हमने टेस्ट किया और यहाँ की आबादी 2 करोड़ है, तो आप एक परसेंटेज निकाल सकते हैं कि अगर 100 में से 40 लोगों में नैनोप्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक मिला तो इस शहर में, मान लीजिए दिल्ली में, माइक्रोप्लास्टिक नैनोप्लास्टिक सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर घूमता हुआ इतने परसेंटेज लोगों में है, ये तो उपलब्ध है। लेकिन ये टेस्ट अभी कॉमन हुआ है कि आप जाएं किसी लैब में अपना टेस्ट करा लें। तो उसके लिए तरीका क्या है, आप मान के चलिए कि ये सच्चाई है, अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, और नहीं भी कर रहे हैं तो दुनिया कर रही है, तो पानी के, दूध के रास्ते, मछली के रास्ते, हवा के रास्ते, 3 जगह से प्लास्टिक आपके शरीर में जाएगा, त्वचा से, ट्रांसकुटेनियस, खाने से, जो इंटेस्टिन आपके हाथ के अंदर जाएगा, कोटिंग करेगा, मैलेब्सॉर्प्शन जो कहते हैं, खाना खाते हैं पचता नहीं, इंडाइजेशन की सजा, फिर उसका नैनो पार्टिकल एब्जॉर्ब होगा, और तीसरा सांस के द्वारा, जिसमें आप देखते हैं ये बैनर, पोस्टर्स, प्लास्टिक के होर्डिंग्स, बहुत सारी चीजें लगी रहती हैं। तो जब उसका अपरदन होता है, धूप लगती है, उससे केमिकल लीच करके आपके हवा में तैर रहा होता है, इसका टेस्ट उपलब्ध है। हवा में कैसे एनवायरमेंटलिस्ट लोग सैंपल लेते हैं, दिखाते हैं कि कितनी मात्रा में आपके यहाँ माइक्रोप्लास्टिक या नैनोप्लास्टिक घूम रहा है, ये सब उपलब्ध है। मानना ये है कि हर तरफ से हम घिर चुके हैं। अब ये एक
एक शहर या एक व्यक्ति के बस का नहीं है, यूएन इस पे काफी एक्टिव है, पूरे ग्लोबल इसको एक कल्ट कल्चर बनाना पड़ेगा कि प्लास्टिक फ्री जोन करो। अगर जब तक ये नहीं बनाएंगे, दूसरा रिसाइकलिंग की व्यवस्था जो अभी एग्जिस्टिंग प्लास्टिक है और जो समुद्र के अंदर जहां जहां कचरे पड़े हैं हो उसको हटा के रिसाइकल, तीन चार चीजें करनी पड़ेगी। तब तक आप मान के चलें कि आपका एक्सपोजर हो रहा है, तो क्या करना है, व्यक्तिगत तौर पे जितना हो सके प्लास्टिक को हटा दे लाइफ से। जैसे अभी जाएं किचन में, रसोई में देखें, फ्रिज के अंदर या जहां जहां कंटेनर में आपको प्लास्टिक दिख रहा हो उसको हटाइए, वापस आप इनर्ट मेटल के बर्तनों पर आ जाइए, यही एक समाधान है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा अपने घर में और अपनी लाइफ में प्लास्टिक की सफाई कैसे की जाए, चर्चा को उस ओर हमें लेकर जाना चाहिए। जो आपने जिस पर बात छोड़ी है उसी को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। और जानते हैं यहाँ पर कि खासतौर से किचन की अगर हम बात करें, किचन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्लास्टिक का। डॉक्टर रुचित, क्या क्या चीज़ों को तुरंत प्रभाव से रिप्लेस कर देना चाहिए? शुरुआत चलिए यहीं से करते हैं। सबसे पहले पानी की बोतलें, क्योंकि उसका एक्सपोजर एक ऐसा है कि माइक्रोवेव शायद सबके घर में ना हो लेकिन पानी हर कोई पीता है, तो और खास तौर से हमारे जो गांव देहात सब जगह है उसमें ये पानी एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्सल है। और जितना पानी यूनिवर्सल है उतना ही आज की तारीख में ये भी यूनिवर्सल है कि पानी को प्लास्टिक की बोतल में रखा जाता है, क्योंकि इट इज ईजी टू कैरी। तो सबसे पहले अगर किसी चीज को चेंज करना है तो वो है या तो आप कांच, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, इनर्ट चीजें, स्टील इज दी बेस्ट, आप कांच की बोतल में रखें, स्टील में रखें। और जो अगर हम अपने ही अपने 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 देश के अतीत में जाएं तो मिट्टी की बर्तनों में रखा जाता, जिससे कि अगर आप अब दूसरी तरफ जाए, जैसे आजकल डीमिनरलाइजेशन हो रहा है पानी का, तो ये अगर हम अर्धन वेयर यानी कि मिट्टी के बर्तनों में रखें तो वो मिनरलाइजेशन भी होता है। तो अगर सबसे पहली चीज किचन में चेंज करनी है तो वो है पानी की बोतलें, उनको आप प्लास्टिक से हटाइए और उसको आप कांच में, स्टील में या अर्धन वेयर में तब्दील करिए। दूसरी चीज, हम आपने देखा होगा घर में ज्यादातर जगहों पे आटा, दाल, चावल, जितनी भी चीजें रखी स्टोर करी जाती है वो सब प्लास्टिक के बर्तनों में स्टोर करी जाती है। अब वो जमाना खत्म, और होता क्या है कि सामान तो बदलता जाता है लेकिन वो प्लास्टिक की बोतल वो 20 साल से वही चली आ रही होगी जो प्लास्टिक का, तो जब वो सालों साल में वही चीज रखी रहती है तो धीमे धीमे उसका जो भी उससे जो श्रेडिंग हो रही है नैनो पार्टिकल्स की, वो आपके खाने के अंदर सम्मिलित होती जा रही है और आपके इंटेस्टाइन्स के द्वारा आपके पेट में जा रही है। तो स्टोरेज वाली जितनी चीजें हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो हमारा स्पाइसेस हो, ये सब हम लोग स्टोर करते हैं। तो स्टोरिंग से क्या होता है, एक्सपोजर का जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा होता है। अब आप ऐसे समझे, आपने एक चावल रखा है जो मान लीजिए 2 महीने उसी बर्तन में रखा रहेगा, तो उसमें जो प्लास्टिक जा रहा है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा है क्योंकि उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो मोटा मोटा अगर मैं पहली चीज बोलूं तो वो है कि जितनी चीज हम किचन में स्टोर करते हैं वो हमें प्लास्टिक से हटानी है। दूसरा, जो रिसर्च कहती है कि नैनो पार्टिकल का जो क्रिएशन है वो ये कहा जाता है काफी बार तब होता है जब हम प्लास्टिक की चीज को हीट करते हैं और उस हीटिंग के दौरान उसके अंदर कोई ऐसी चीज रखी है जो हमारे ह्यूमन बॉडी की कंजम्पशन में होनी है। अब इसमें खास तौर से तवज्जो देनी चाहिए जो हम लोग माइक्रोवेव करते हैं, माइक्रोवेविंग में अगर प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमने अपने अंदर खाना रखा और उसको गर्म कर दिया। अब जब वो गर्म कर दिया तो वो प्लास्टिक डेफिनेटली जब गर्म होगा तो वो कुछ ना कुछ परसेंटेज से उसका डिसॉल्व होगा ही, कुछ ना कुछ परसेंटेज ऐसा होगा जो नैनो पार्टिकल और माइक्रो पार्टिकल क्रिएट करेगा। तो दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि किसी भी गर्म प्लास्टिक के संपर्क में हमारी इमीडिएट कंज्यूम होने वाली चीज नहीं आनी चाहिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइक्रोवेव का प्लास्टिक। गैस में डेफिनेटली प्लास्टिक यूज नहीं होता है इसलिए वहां से ये चीज आउट है। माइक्रोवेव या धूप में आपने देखा होगा कई जगहों पर, जैसे हमारे यहाँ गाँव देहात में आप जाए तो जैसे पापड़ बनाने का वो होता है, वो प्लास्टिक के ऊपर बनाने का वो है कि प्लास्टिक की परत लटका करके उसके ऊपर पापड़ बन रहे हैं, चाहे वो आलू के, और उसको हम लोग बड़ी खुशी से खाते हैं, बट एक्चुअली क्या है, हम उस पापड़ के साथ में नुकसानदायक चीज खा रहे हैं। तो कपड़े का प्रयोग करें। तो दूसरा पॉइंट, पहला मैंने बताया कि स्टोरेज वाली चीजों से हटाना है, दूसरा जहां भी गर्माहट हो रही है उसमें प्लास्टिक का जो है संपर्क वो हमारे उससे नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर किचन से शुरुआत करनी है, इन दो चीजों को अगर हम लोग एक
प्रिंसिपल बना के चलेंगे और उसको एक्सट्रापोलेट करें अपनी प्रैक्टिस में कि जहां स्टोरेज हो रही है वहां प्लास्टिक को हटाएं और जहां जहां किचन में गर्माहट वाली चीज हो रही है वहां प्लास्टिक को हटाएं, तो एक प्रिंसिपल तौर पर अगर दोनों को फॉलो करेंगे तो बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं किचन की जिसमें हम अपने जिसमें हम प्लास्टिक के यूज को कम कर पाएंगे हटा। ऑलराइट पंकज जी, हमारे बस जितनी बातें हमारे बस में हैं वो हम शायद कर लेंगे, डॉक्टर्स बाकी तमाम एक्सपर्ट्स से बातचीत करके सही लाइफस्टाइल जीने का एक तरीका भी हम सीख लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उन तमाम स्टेक होल्डर्स की भी आती है जो इस पूरे कॉज के ओर की ओर बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। किस तरह की सख्ती और बरतनी चाहिए आपके मुताबिक ताकि यूज़र अपने एंड से जितना हो सकता है एहतियात बरतेगा, डॉक्टर्स होने के नाते जो पैनलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो भी अपने पेशेंट्स को सलाह देंगे, लोगों को सलाह देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी तरह की कानूनी कड़ाई भी तो ज़रूरी होगी। देखिए इस मामले में आप कहीं ना कहीं इसकी अर्थव्यवस्था से इसको जोड़कर देखिए। एक संपन्न व्यक्ति के घर में शायद प्लास्टिक के सामान कम हो या डॉक्टरों की सलाह पर उसका इस्तेमाल करना वो कम कर, मगर एक ऐसा परिवार जिसकी आय या तो वो बीपीएल के अंदर आता हो या बीपीएल के स्लाइटली ऊपर भी हो या उससे उसका डबल भी होगा, तो भी जिस तरह के उपाय डॉक्टर साहब ने बताए वो उत्तम तो जरूर होगा, मगर वो उसकी अर्थव्यवस्था के साथ वो मैच नहीं करता। इसीलिए बहुत सारे पर्यावरण के मामले में हम लोग ये कहते हैं कि सरकार और समाज दोनों जब तक साथ साथ चलने की कोशिश नहीं करेंगे और विकास के नाम पर हो रहे नुकसान को सरकार रोकने या उससे होने वाले नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए अपने कदम नहीं उठाएगी, तब तक उसे सामाजिक तौर पर इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, आर्थिक तौर पर भी सरकार को उतना ही नुकसान उठाना पड़ता है जितना एक छोटे से परिवार में। उदाहरण के तौर पे आप यूं देखिए कि हमारे देश की आबादी का जो अभी डॉक्टर साहब ने जितने तरीके के बीमारियों के बारे में बताया और उसकी संभावनाओं के बारे में, तो आप देखिए कि जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली या जो अभी वर्तमान युवा पीढ़ी है, अगर वो आपका वर्कफोर्स अगर उस तरीके से प्रभावित हो रहा है तो आप सोचिए कि आप उसका इस्तेमाल अपने प्रोडक्शन में किस तरह से कर पाएंगे। तो इसमें सरकार और समाज दोनों को साथ चलने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारे रिपोर्ट्स अभी आने बाकी हैं, जितने रिपोर्ट्स आ गए हैं और जितने लंबे वर्षों से हम लोग इस बात को उठाते आ रहे हैं कि पर्यावरण का क्या नुकसान हो रहा है और मानवीय स्वास्थ्य पर उसका क्या नुकसान हो रहा है, तो जितनी रिपोर्ट आ चुकी है वो पर्याप्त है अपने कदम को उठाने के लिए। और सरकार को ये बात सोचना होगा कि वो प्लास्टिक जो पूरी तरह से नुकसानदेह है या जो सरकार के कानून में उनके कागजात में लिखा हुआ है कि ये बैन है, मगर उसका प्रोडक्शन अगर फिर भी हो रहा है, हवाई जहाज की यात्रा में आपको पानी के बॉटल मिल रहे हैं, क्या उसको चेक किया जाता है कि उसमें जिस लेवल का मैक्रोन इस्तेमाल हुआ है वो उसके उस पैमाने पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। तो सरकार जब तक इसमें एक कदम आगे बढ़कर जागरूकता के आधार पर और साथ साथ कानूनी रूप से उसको लागू करने के आधार पर आगे नहीं आएगी तो ये समाज उसी तरीके से पिसता रहेगा, खास करके वो समाज जो विकासशील है, जहां अभी उसने अभी आर्थिक रूप से वो प्रगति नहीं देखी। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से मंथन करने के लिए हमारे पास और भी विषय हैं लेकिन मेरा समय समाप्त हो चुका है। बहरहाल छोटे छोटे बदलाव ही सही, लेकिन इस पूरी चर्चा को सुनकर अगर हमारे दर्शक इन बदलावों को ज़िंदगी में अमल में लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक बड़े बदलाव की ओर ऐसे ही बढ़ चले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शिरकत करने के लिए और मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।